इसराइल और हमास को लेकर के बीच में फिलिस्तीन को रख करके भारत में कुछ अनभक्त फेक न्यूज फैला रहे हैं। इस वीडियो को लेकर के कुछ अनभक्त ये दावा कर रहे हैं कि भारत के केरल स्टेट में हमास के समर्थन में एकजुट होकर के रैली निकाल रहे हैं और अनभक्त ये भी दावा कर रहे हैं कि रैली में फिलिस्तीन का झंडा ना लगा करके इटली का झंडा लगाए हैं, जबकि इस वीडियो का सच्चाई ये है कि ये केरल के एक स्थानीय पार्टी का झंडा है। इस पार्टी का नाम है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाले थे, ना कि हमास के समर्थन में नहीं निकाला था। जो अनभक्त फेक न्यूज फैला रहा है ये सरासर झूठ है। अनभक्तों के साथ गोदी मीडिया भी यही काम कर रहा है, यही फेक न्यूज फैला रहा है कि फिलिस्तीन के दर्द को लेकर के भारत के राजनीतिक में एक नया मुद्दा पैदा हो। जैसे कि इस गोदी मीडिया को देखिए, ये क्या कह रहा है, भारत के एक अच्छे समुदाय को, यानी यादव समुदाय, यार कितना अच्छा समुदाय है, उसको क्या कह रहा है, भारत के यादव जाति ही को इसराइली कह रहा है, यानी भारत में जितना यादव जाति है वही इसराइल जाकर के कहना क्या चाहता है, ये सुनिए। क्या इसराइली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है, जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। इतना ही नहीं, बाइबल, महाभारत और यहूदियों के धर्म ग्रंथ के साथ ही 5000 वर्षों का इतिहास और डीएनए का विश्लेषण के साथ देखिए विशेष बिंदास बोल मेरे साथ, क्या यहूदी ही यादव है। ये क्या कहना चाहते हैं, भारत के यादव जाति ही बहुत जमाना पहली इसराइल जाकर के बस गए हैं, ये कहना चाहता है। यार गोदी मीडिया बनना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो फेक न्यूज़ फैला देते हैं ना, तो बहुत ही आसान है, लेकिन एक सच्चा पत्रकार बनना इतना ज़्यादा मुश्किल है इस ज़माने में। जो एक सच्चा पत्रकार है उसी से पूछना, आपको पता चल जाएगा। इस गोदी मीडिया चच्चा को हम बता दें, इसराइली है ना, अजान भी देता है अपने तरीके से, और अपने तरीके से वो 3 वक्त का नमाज भी पढ़ते हैं, टोपी भी पहनता है, इसी के साथ वो सभी फल वगैरह और सभी मटन वगैरह वो खाते हैं, यानी जितना भी चीज़ है वो सब कुछ खाते हैं। आप तो नहीं खाते हो, हम भी तो नहीं खाते हैं, लेकिन वो तो सभी खाता है ना। यादव समुदाय भी नहीं खाते, यानी यादव जाति भी तो नहीं खाते, वो तो सभी खाते हैं। आप कैसे भारत के यादव जाति को इसराइल से मिला रहे हैं, यानी इसराइल के बराबर दिखा रहे हैं। दोस्तों गोदी मीडिया अब सब कुछ पार कर चुका है, जितना मैं कहना चाहते थे इतना तो कह चुका हूँ, बट कुछ कुछ ऐसे वीडियो है ना, बयान करने का मन नहीं करता है, मतलब सब हद पार कर चुका है। युद्ध हो रहा है इसराइल और हमास में, और कह रहा है कि फिलिस्तीन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फिलिस्तीन में वो बम पड़ेगा, यानी फिलिस्तीन के गजा शहर के बारे में ये बयान कर रहा है। क्या इन सभी गोदी मीडिया के अंदर में कोई दर्द नहीं है फिलिस्तीन के लिए, जो फिलिस्तीन के गजा शहर में बमबारी इसराइल का हो रहा है उसके लिए अच्छा हो रहे हैं, तो वो बोल दें किसी वीडियो में कि फिलिस्तीन के गजा शहर में जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, बोल दें, क्योंकि उसे तो एक पार्टी का रक्षा करना है ना, इसलिए वो ये बात नहीं बोलेगा। इसी के साथ ये भी बात बताना बहुत ही ज़रूरी है, जो गोदी मीडिया फैला रहा है, अनभक्त फैला रहा है फिलिस्तीन के बारे में, तो गोदी मीडिया और अनभक्त तो सुनो ज़रा, शायद आपको याद ना हो, ज़रा सुन लीजिए। भारत के विदेश मंत्री फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे चुका है, हम हमेशा फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राज्य में विश्वास करते हैं, ये बयान भारत के विदेश मंत्री का है, तो इसको भी ज़रा सुन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में शेयर करके लाइक कीजिएगा, फेसबुक में देखते हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा।